हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइन अप स्टडी। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा, स्कीम कैंपेन बाय द स्टेट्स एंड द सेंट्रल मिनिस्ट्री। ओके, तो आज का हमारा यही टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जितने भी 10 इम्पॉर्टेंट जो हमारा कैंपेन है और स्कीम जो है, जिसको स्टेट गवर्नमेंट, इधर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको शुरुआत की है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। इसके पहले मुझे गिव मी फ्यू सेकेंड्स। ओके, सो पहला हमारा जो योजना है वो है नारी को नमन योजना। नारी को नमन योजना। हमारा पहला जो है वो नारी को नमन योजना। नारी को नमन योजना की शुरुआत किसने की? तो नारी के नमन योजना की शुरुआत जो है वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने की। नारी को नमन योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने की है, ठीक है। इससे पहले जो अभी जो करेंटली सीए सुखविंदर सिंह सक्खू, उनसे पहले जो सीएम थे जयराम ठाकुर साहब ने इसकी शुरुआत की थी। ओके, इसमें क्या होता है, नारी को नमन योजना के तहत जो हिमाचल प्रदेश स्टेट बस जो है ना, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार की जो बसेस है उसमें महिलाओं को 50% की छूट मिलती थी। ट्रेवल करने पे उनको 50% टिकट पे छूट मिलती थी इसी नारी नमन योजना के तहत। ओके, नाउ जो नेक्स्ट है हमारा वो है स्वनिर्भर नारी योजना। स्वनिर्भर नारी योजना इसकी शुरुआत असम गवर्नमेंट ने की, ठीक है। असम गवर्नमेंट ने, हेमंता बिश्व शर्मा साहब ने इसकी शुरुआत की है, ठीक है। इसमें क्या मिलता है, इसमें जो है ना वो असम की जो हैंडलूम वर्क है, सी अगर समझे ना, हैंडलूम वर्कर्स जो हाथ से जितने भी चीज़ें बनती है ना, उसको बढ़ावा देने के लिए असम की जितने भी महिलाएं हैं जो हाथ से कारीगरी करती हैं, हाथ से जो चीज़ों को बुनती हैं, बनाती हैं, उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए आपको स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत जो है वो असम गवर्नमेंट ने की है। अगर हम सीएम की बात करें असम के, तो असम के सीएम है हेमंता बिश्व शर्मा, ठीक है। अगर गवर्नर की हम बात करते हैं असम के गवर्नर, तो असम के गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया साहब जो है वो असम के गवर्नर है। ओके, नाउ जो नेक्स्ट हमारा है वो है अंचल कैंपेन। ओके, नाउ अंचल कैंपेन की शुरुआत कैसे हुई? तो अंचल कैंपेन की शुरुआत जो है, इसको राजस्थान गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत की है, ठीक है। अब इससे बेनिफिट क्या मिलता है? सो जितने भी प्रेग्नेंट वीमेन है ना, उनको अंचल कैंपेन के तहत उनको मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, मेडिकल एड प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जिम्मेवारी किन की होगी? तो जो आशा वर्कर्स होती है ना, उनके उनको एक एरियाज उनका मतलब एक रिस्पेक्टिव एरिया उनको दे दिया जाएगा, और उनकी ये जिम्मेवारी होगी कि वो मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर दें हर एक प्रेग्नेंट वीमेन को। इस चीज़ की शुरुआत, इस कैंपेन की शुरुआत किसने की? तो राजस्थान गवर्नमेंट ने अंचल कैंपेन की शुरुआत की। ओके, नाउ राजस्थान के जो सीएम है उनका नाम है अशोक गहलोत साहब है, और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है कलराज मिश्र साहब जो है वो यहाँ के गवर्नर है, राजस्थान के गवर्नर है। नाउ जो नेक्स्ट हमारा कैंपेन है वो है मेडिसेप। आप
नाम से पता लगा सकते हैं मेडिकल से रिलेटेड होगा। सो मेडिसेप जो है ना, मेडिसेप स्कीम की शुरुआत जो है वो केरल गवर्नमेंट ने की है, केरल गवर्नमेंट ने की है। अब इस मेडिसेप में क्या बेनिफिट्स मिलता है, तो मेडिसेप में ना, मेडिसेप स्कीम के तहत ना, जो राजस्थान गवर्नमेंट के जितने भी पेंशनर्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनको हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटी मिलती है। हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटी मिलती है विद अ कैशलेस, बिना मतलब कैशलेस ट्रीटमेंट होता है। इसमें आपको एक कार्ड बनेगी, इस मेडिसेप स्कीम के तहत आपको एक कार्ड बनेगा, उस कार्ड के थ्रू, उस कार्ड में एक लिमिटेड एक अमाउंट होगा जो कि होगा, उस कार्ड के थ्रू आपका कैशलेस ट्रीटमेंट होगा। इसकी शुरुआत किसने की, तो केरल गवर्नमेंट ने की। और इसके लिए जो आपके सैलरी से जो पैसा कटेगा ना, सालाना मतलब एनुअली जो है वो 6,000 रुपया, और मंथली जो है आप समझ सकते 500 रुपया कटेगा आपके सैलरी अकाउंट से, जिससे आपको मेडिसेप में आपको फ़ायदा मिलेगा। मेडिसेप के तहत आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, किसको, तो राजस्थान के जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनको, और जो राजस्थान गवर्नमेंट के पेंशनर हैं उनको मिलेगा, ठीक है। उसका जो नेक्स्ट है वो है, और उसके बाद अगर केरल के लोगों को मिले, केरल के स्टेट एम्प्लॉयज़ और वहाँ के जो पेंशनर हैं उनको मिलेगी मेडिसेप स्कीम के तहत हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटी, ओके। नाउ इसके अगर हम केरल की बात, केरल के सीएम है पिनरायी विजयन जो साहब है, वो केरल के सीएम है। और यहाँ के जो गवर्नर, उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान साहब जो है वो केरल के गवर्नर है। नेक्स्ट हमारा जो है वो एनम एजुथम स्कीम के तहत क्या होगा ना, तमिलनाडु के जो बच्चे हैं ना उनके प्राइमरी लिटरेसी मतलब बेसिक जो साक्षरता होता है ना, मूलभूत साक्षरता यानी प्राइमरी लिटरेसी और न्यूमरेसी मतलब संख्यातिक, ये दोनों को सुनिश्चित किया जाएगा। मीन्स बेसिक लिटरेसी या न्यूमरेसी दोनों को सुनिश्चित किया जाएगा 2025 तक। बेसिक लिटरेसी मतलब कि उनको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, बेसिक साक्षरता होना चाहिए, जिसे पढ़ने लिखने आना चाहिए, पढ़ने आना चाहिए, तो ये बेसिक लिटरेसी में आ जाता है। तो ये चीज़ को सुनिश्चित 2025 तक करने के लिए एनम एजुथम स्कीम की शुरुआत की गई है, किसके, तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा, ओके। तमिलनाडु के जो सीएम है उनका नाम है एम के स्टैलिन, और जो तमिलनाडु के जो गवर्नर उनका नाम है आर एन रवि साहब जो है वो गवर्नर है, एम के स्टैलिन साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर है, किस हाथ से, तो तमिलनाडु के। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है ना, लाडली योजना बेसिकली जो है वो मध्य प्रदेश 2.0, इसको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत की है, और ये जो गर्ल्स के एजुकेशन के लिए है, ठीक है, गर्ल्स के एजुकेशन में बढ़ावा देने के लिए और गर्ल्स को एजुकेशन के लिए कुछ पैसे प्रोवाइड करने के लिए, पैसे देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है, किसके द्वारा, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद जो मध्य प्रदेश के जो MP के CM है आप जानते हैं, शिवराज सिंह चौहान साहब है, ओके। यहाँ के जो गवर्नर साहब है उनका नाम है मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है यहाँ के गवर्नर है, मंगू भाई पटेल साहब जो है यहाँ के गवर्नर है, कहाँ के, तो MP के, ओके। नेक्स्ट जो है हमारा अगला जो स्कीम है वो है स्कूल चलो कैंपेन की शुरुआत UP गवर्नमेंट ने किया है, ठीक है। स्कूल चलो कैंपेन में क्या होगा ना, कि स्कूल चलो कैंपेन के तहत ना प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इस कैंपेन की शुरुआत की गई है, किसके द्वारा, तो UP गवर्नमेंट के द्वारा। और इस कैंपेन के तहत ये चीज़ भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो एडमिशन्स लें,
जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एडमिशन्स ले स्कूल चलो कैंपेन के तहत, ताकि उनके प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए उनको बढ़ावा और दिया जा सके। ठीक है, तो इसकी शुरुआत यूपी गवर्नमेंट ने की है। यूपी के जो सीएम है उनका नाम है योगी आदित्यनाथ, और आपके वहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है आनंदी पटेल जी, जो है वो यूपी के गवर्नर है। नाउ जो नेक्स्ट है वो है सहाय स्कीम। सहाय स्कीम की शुरुआत की गई है किसके द्वारा, तो झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा सहाय स्कीम की शुरुआत की गई। अब सहाय स्कीम में क्या बेनिफिट्स हैं, तो इसको जो है ना नेक्सलाइट, जितने भी नेक्सलाइट ग्रसित जो एरियाज़ हैं ना उस एरियाज़ में इसकी शुरुआत की गई है, ताकि जो 19 ईयर्स जो यंग बच्चे हैं ना वो स्पोर्ट्स में अपनी अलग अलग स्पोर्ट्स में आगे बढ़ सके, अपने टैलेंट को शो कर सके। तो सहाय स्कीम की शुरुआत की गई नेक्सलाइट एरियाज में यंग पीपल्स को स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इस स्कीम की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा, तो झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। झारखंड के जो सीएम है वो है हेमंत सोरेन, ठीक है, और यहाँ के जो गवर्नर सीपी राधा कृष्णन साहब जो है वो झारखंड के गवर्नर हैं। ना इसके बाद एक स्कीम है श्रमिक मित्र स्कीम, ये लेबर रिलेटेड स्कीम है, श्रमिक मित्र स्कीम, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत की। ओके, नाउ आज का आखिरी जो है वो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम की शुरुआत किसने की, तो वन डिस्ट्रिक्ट एंड वन प्रोडक्ट स्कीम की शुरुआत की है यूपी गवर्नमेंट ने। अभी इसको क्यों शुरुआत किया गया, जो ट्रेडिशनल जो क्राफ्ट हैं, जो पारंपरिक जो क्राफ्ट्स हैं, जो वस्तुएं बनाई जाती पारंपरिक वस्तुएं जो होती थी ना, उनको फिर से रिवाइवल के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कैंपेन की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस स्कीम की शुरुआत की गई है। फॉर द ट्रेडिशनल क्राफ्ट जो होते हैं, जो पारंपरिक वस्तुएं होती थी जो बनाई जाती है, उसको फिर से एक बार जीवित करने के लिए इस स्कीम की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ साहब हैं, और वहाँ के जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी हैं। ठीक है, ओके, सो आज के लिए हमारा इतना ही था। आज का जो कैंपेन का टॉपिक था, 10 इम्पॉर्टेंट्स कैंपेन हमने पढ़ा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।